तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं फिर से एक और न्यू अनदर वीडियो पे। फ्रेंड, हम जानते हैं कि आप अपने ओप्पो स्मार्टफोन में लॉक लगाकर पासवर्ड चेंजिंग पैटर्न भूल चुके हो, तभी हमारे वीडियो को क्लिक करके देख रहे हो। तो फ्रेंड, जो भी बंदा हमारा वीडियो को क्लिक किया है, तो एक बात मैं बता देता हूँ, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपको बहुत तरह का चीज़ सीखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम अनलॉकिंग करने का बात नहीं करेंगे कि भाई अनलॉकिंग तो कर सकते हो आप भी घर बैठे, वो भी बिना ऐसा वेस्ट किए हुए, लेकिन अब डाटा जो आपके फोन में इंपॉर्टेंट जो होता है वो वापस कैसे आएगा, आज की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि भाई ओप्पो का यूजर बहुत ज्यादा है, तो भाई कभी ना कभी आप रात को पासवर्ड डाल के सो जाते हो, तो सुबह अचानक भूल जाते हो, या कभी कभी कोई बच्चा आपका फोन लॉक लगाकर खुद पासवर्ड पिन पैटर्न भूल जाता है और आपसे फोन अनलॉक भी नहीं हो पाता है। तो कैसे करते हैं अनलॉक सर्विस सेंटर वाले, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सर्विस सेंटर वाले जो इंजीनियर लोग हैं कैसे आपके ओप्पो स्मार्टफोन को अनलॉक करते हैं। इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाले हैं, और आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा और न ही आपका डाटा डिलीट होगा। जो भी आपके फ़ोन में होगा, इंपॉर्टेंट फाइल होगा, वीडियो होगा, इंपॉर्टेंट भाई फोटो होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो आप भी अनलॉक करना चाहते हो, तो आइए पहले फटाफट वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन ही प्रेस कर लेना, और फ्रेंड एक लाइक करके हमें प्यार दे सकते हो, और आपका एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, और ऐसा ऐसा वीडियो हमेशा आप सभी के लिए मैं बनाते रहूँगा, ठीक है ना। फ्रेंड, पहले अपने ओप्पो स्मार्टफोन जो भी यूज करता है ओप्पो का कोई भी मॉडल, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ऑल ओप्पो का अनलॉक करने का मैं एक ट्रिक लाया हूँ कि ओप्पो का आप न्यू मॉडल यूज करते हो या ओल्ड मॉडल यूज करते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आपके फ़ोन में पिन पैटर्न पासवर्ड भी क्यों ना हो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने फ़ोन में से सिम कार्ड और मेमोरी को पहले आप निकाल लीजिएगा, ठीक ना। ये इतना काम करने के बाद सेकेंड काम क्या है आपको करना, अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। एंड देन ये इतना काम करने के बाद आप आ जाइएगा लॉक स्क्रीन पेज पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे फोन में पैटर्न लॉक है, आपके फोन में पिन पासवर्ड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें सिंपली ये इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाओगे इमरजेंसी कॉल ओनली के पेज पे। एंड देन यहाँ पे ऊपर से स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको एयरप्लेन मोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एयरप्लेन मोड का ऑप्शन आप लोग ध्यान से ऑन कर लीजिएगा। एंड देन ये ऑन करने के बाद ये लोकेशन आप जरूर बंद कर लीजिएगा अगर ऑन होगा तो, ठीक है ना। एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मास्टर अनलॉकिंग कोड एक एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मार्स सीजन का कोड इस वीडियो में एक्टिवेट करेंगे तभी हमारा ओप्पो का फोन जो है वो लॉक से अनलॉक होगा, ठीक है ना। तो मैं अपने फोन में डायल करता हूँ, तो आप लोग कोई कॉपी में या भाई अपने स्मार्टफोन में नोट कर लीजिएगा ध्यान से कि कोई भी एक अंक छूटना नहीं चाहिए। यदि आपका कोई भी एक अंक छूट जाता है या स्किप करके वीडियो को देखते हो तो आपका जितना मेहनत है सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा, अब वीडियो फिर से दोबारा देखना पड़ जाएगा। दोबारा देखने से बेहतर है एक बार वीडियो को देख लो और मात्र 30 सेकंड में अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर लो। मैं यहाँ पे कोड डायल करता हूँ 5698743 18 ये कोड को डायल कर लेना है अपने स्मार्टफोन में, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पे आपको 3 टाइम कॉल करना होगा 1 2 3। ये कोड डायल करने के बाद कॉल कर दिए आपने तो ये कोड हमारा एक्टिवेट हो चुका है और ये कोड अब हमारा कोई काम का नहीं है। एंड देन इस कोड को फिर आप लोग इरेज कर लेना, और यहाँ पे हमें मास्टर अनलॉकिंग कोड यूज करना पड़ेगा 8899 और ये है। ये कोड डायल करते ही इंजीनियर मोड के फाइल पे आप लोग आ जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाने के बाद 4 नंबर मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा और 2nd नंबर डिवाइस पे आप आओगे तो सबसे नीचे आना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे एम सेंसर का ऑप्शन मिलेगा, तो एम सेंसर पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा एम सेंसर का DD और XYZ जो रनिंग कर रहा है वो आपका फोन में भी करना चाहिए, और ये जो ऊपर वाला डिग्री देख रहे हो 309 डिग्री है वो चेंज रहेगा, यानी कि आपके फोन में अलग अलग रहेगा, यानी कि 1 से लेकर 300 डिग्री तक आपके फोन में उपलब्ध होंगे लेकिन 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। और ये डिग्री
भाई चेंज होते रहना चाहिए कि एक अंक आगे हो या पीछे हो, लेकिन होना चाहिए। देख सकते हो अभी 309 था, 310 हो गया, देखिए फिर 309 हो गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन ये इतना काम करने के बाद इसे बैक करना है, फिर एम सेंसर ऑटो टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका टेस्ट जो है सक्सेसफुल लिखा जाएगा, यानी कि आपका फोन का लॉक अनलॉक हो चुका है। मात्र इसे बैक कीजिएगा और सबसे लास्ट वाला पेज पे जाइएगा, अदर्स नाम का पेज मिलेगा, तो की स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देख सकते हो कि आपने जो भी फोन में लॉक लगाए वो सारा का सारा अनलॉक हो चुका है। अब आपको क्या करना है, मात्र होम बटन को क्लिक करना है और चेक करना है कि हमारा फोन अनलॉक हुआ या नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हो हमारा फोन बहुत ही सिंपल तरीका से अनलॉक हो गया। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।